गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ई तुहर द्वार अंतर्गत राज्य श्री ऑनलाइन कक्षा कक्षा आठवीं विषय गणित अध्याय 13 प्रतिशतता के अनुप्रयोग के विषय में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आप दैनिक जीवन में प्रतिशत का किस प्रकार से प्रयोग करते हो, किन किन चीजों में आप प्रयोग करते हो, उनको हम किस किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, इन्हीं बातों को आज हम इस कक्षा में सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के पहले जो चीजें आपको पहले से पता है मैं कुछ उन चीजों की ओर बढ़ती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं लाभ हानि, है ना, आप लाभ भी जानते हैं हानि भी जानते हैं, लेकिन ये लाभ और हानि को हम किस प्रकार से इसका हम लोग निर्णय लेते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो चलिए देखते हैं, एक उदाहरण है हमारे सामने। ठीक है, ये एक दुकान है, दुकान से रोहित रोहित नाम के एक बच्चे ने गेंद खरीदा 90 रुपए में। ठीक है, और उसी गेंद को रोहित ने एक वरुण नाम के बच्चे को 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि लाभ और हानि की बात हो रही है और खरीदना बेचना भी यहाँ पर चल रहा है, तो हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये हमें बताना है। ठीक है, तो रोहित नाम के जो बच्चे के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, जरा बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल 90 रुपए, क्योंकि उसने 90 रुपए में इस गेंद को खरीदा है। ठीक है, और रोहित के लिए ही, है ना, ये क्रय मूल्य हो गया, और रोहित के लिए ही विक्रय मूल्य आप बता सकते हो, मतलब रोहित ने कितने रुपए में उस गेंद को बेचा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आप क्या आप बता सकते हो? 120 रुपए। अब यहां पर आप देख करके बताइए कि रोहित ने 90 रुपए में उस गेंद को खरीदा और 120 रुपए में उस गेंद को क्या कर दिया, उसने बेच दिया। ठीक है, तो वरुण के लिए यहां पर ये वरुण के लिए इस गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि वरुण ने क्या किया है, खरीदा है ना, वरुण ने क्या किया है, खरीदा है, और इसने क्या कर दिया है, रोहित ने इसे बेचा है। ठीक है, तो वरुण के लिए उस गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 120 रुपए। ठीक, अब ये तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमने जान लिया कि रोहित के लिए क्या होना चाहिए, वरुण के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, जो खरीदी मूल्य होता है वो कहलाता है क्रय मूल्य, जो बिक्री मूल्य होता है जिस कीमत में हम बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक अवधारणा को लाना है, वो अवधारणा है कि रोहित ने 90 रुपए में बेचा, सॉरी खरीदा, और 120 रुपए में गेंद को बेच दिया। ठीक है, तब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रोहित ने अतिरिक्त मूल्य 90 के अलावा अतिरिक्त मूल्य में उसने उस गेंद को बेचा है। ठीक है, क्या किया है, रोहित ने 90 रुपए में खरीदा था उस गेंद को और अतिरिक्त मूल्य में एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा उसमें और भी उसमें कीमत डाल करके या कुछ रुपए डाल करके उसने उस गेंद को क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पर आप क्या बता सकती हो कि लाभ हुआ कि हानि? तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है, जिस अतिरिक्त मूल्य में उस रोहित ने उस गेंद को बेचा, तो ये अतिरिक्त मूल्य ही जब आप एक्स्ट्रा रुपीस में आप उसे बेच रहे हो, अतिरिक्त मूल्य में आप उसे बेच रहे हो, तो यही क्या कहलाता है, लाभ। जब आप किसी चीज को अधिक कीमत पर बेच रहे हो, कम कीमत में खरीद करके अधिक कीमत में आप उसे बेच रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, लाभ। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर लाभ कब होता है, लाभ जरा देख पा रहे हो? तो ये लाभ के लिए शर्त ये है कि विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रय मूल्य से। जो आपका बिक्री मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि ये बड़ा है ना, और ये छोटा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर? ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है,
अब यहां पर आपको ये जानना है कि लाभ कितना हुआ। तो लाभ कितना हुआ ये बताने के लिए आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है, और क्रय मूल्य कितना है उस गेंद का, 90 रुपए है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ रोहित को, रोहित को कितने रुपए का लाभ हुआ जब उसने गेंद को बेचा, तो उसे 30 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो लाभ के लिए हमारे पास शर्त क्या है कि विक्रय मूल्य, जो बिक्री मूल्य है, जो बेचे जाने वाला मूल्य है, बेचने की जो कीमत है वो अधिक होनी चाहिए हमारे खरीदने के मूल्य से। ठीक है, तो ये हो गया लाभ, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को लाभ किस स्थिति में होगा, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको प्रतिशत के रूप में हम किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे हमारे पाठ का नाम है प्रतिशतता के अनुप्रयोग, तो उस पाठ के अंतर्गत अब इसे हम कैसे संबंधित करेंगे, कैसे इसमें संबंध बताएंगे। ठीक है, तो ये आपने लाभ निकाला 30 रुपए, चूंकि लाभ लाभ किसमें हुआ, हमको क्रय मूल्य जो आपने खरीदी मूल्य है उस खरीदी मूल्य के अंतर्गत आपको लाभ हुआ है ना। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है, 90 रुपए है। 90 रुपए में कितना लाभ हुआ आपको, 30 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 90 रुपए में आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या आप बता सकते हो, मैं एक विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ, आप लोग को बताना है ये कौन सी विधि है। ठीक है, तो 1 रुपए में आपको कितना लाभ होगा, क्या आप बता सकते हो, 30 बटे 90 रुपए, मतलब 1/3 रुपए। तो जब 90 रुपए में 30 रुपए का लाभ, तो 1 रुपए में 1/3 रुपए का लाभ, तो 100 रुपए में कितना लाभ, 100 रुपए में कितना लाभ, 100 × 1/3 = 33.33 रुपए का लाभ। यहां पर मैंने क्या किया है, एक एक नियम का प्रयोग करके क्या किया है, मैंने 100 रुपए, प्रत्येक 100 रुपए में किसी को कितना लाभ हो सकता है ना, वो किस पर निर्भर करेगा, लाभ जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। लाभ जो है किस पर निर्भर करता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 90 रुपए में जब किसी व्यक्ति को 30 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपए में कितना लाभ होगा, 1/3। तो 100 रुपए में उसे कितना लाभ होगा, 33.33 रुपए का लाभ होगा। तो प्रत्येक 100 रुपए के क्रय मूल्य पर, तो 100 रुपए के क्रय मूल्य पर हमें क्या मिलता है, लाभ प्रतिशत मिलता है। यहीं से आपको प्रतिशत का मतलब प्रति 100 है ना, तो कितने 100 में से आपको कितना लाभ मिल रहा है ना, प्रति 100 में से आपको कितना लाभ मिल रहा है, ये हमें गणना करनी है। हमने यहाँ पे लाभ निकाला है, कैसे निकाला है, केवल 1 रुपये के रूप में निकाला है, लेकिन यही हमको अगर लाभ को प्रतिशत के रूप में निकालना है तब हम उसकी गणना किस प्रकार से करेंगे, ये मैंने एक-एक नियम की विधि से बताया। अब चलिए मैं इसी को आपको सूत्र के माध्यम से बताती हूँ। ठीक है, इसी सवाल को मैंने लाभ प्रतिशत, ये 100 रुपये प्रति 100 रुपये के क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, ये हमारे क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। तो प्रति 100 रुपये में जो हम निकाल रहे हैं ये है ना, यही कहलाता है लाभ प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति 100 रुपये में कितना लाभ को ही हम लाभ प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब चलिए लाभ प्रतिशत निकालने का मैं एक सूत्र बता रही हूं, है
आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लाभ पूछा जाए कि कितना लाभ हुआ और कितना लाभ प्रतिशत हुआ, दोनों ही बातों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जब लाभ प्रतिशत के बारे में जब आपको पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, है ना, कि प्रति 100 में से आपको कितना लाभ हुआ। तो इसका सूत्र है, क्योंकि लाभ जो है क्रय मूल्य के आधार पर निकाला जाता है, इसलिए इसका सूत्र लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसका सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत का सूत्र, ठीक है। हमारे पास लाभ प्रतिशत का जो सूत्र हमें मिला वो है, लाभ कितना लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य क्या है, बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो लाभ आपको कितना मिला था ये आप जानते हैं, है ना। हमने निकाला था लाभ कितना निकाला था, 120 में से हमने 90 को घटाया तो हमें 30 रुपए का ये लाभ मिला था, ठीक है। अब इस सूत्र में रखने पर, सूत्र में रख दो, आपका क्रय मूल्य क्या है ये भी आपको पता है। क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर? 90 रुपए है, ठीक है। जो चीजें हमें चाहिए उसे सूत्र में रखने पर, चलिए रख दीजिए सूत्र में रखने पर, मतलब ये लाभ प्रतिशत की अवधारणा कहाँ से आई ये हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, कि प्रति 100 रुपए के क्रय मूल्य पर जो हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, उसका लाभ प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सूत्र में रखिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 30 है और क्रय मूल्य कितना है 90 है, ठीक है। इसे ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत बराबर 1/3 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 33.33%। जो हमने एक एक नियम से निकाला था वही मैंने यहाँ पर किससे निकाला, सूत्र से निकाला, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आया आप लोगों को समझ में आया कि हम लाभ प्रतिशत की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमारे पास ये सूत्र नहीं है तो भी हम इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं, एक एक नियम विधि से हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, है ना। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्या चेंज कर रही हूँ, अब आपको पता है कि रोहित के लिए क्या क्रय मूल्य है, ठीक है। मैं फिर से चेंज कर रही हूँ कि अब रोहित ने इसे 90 रुपए में ही खरीदा, उसका क्रय मूल्य मतलब रोहित के लिए इस गेंद का क्रय मूल्य 90 रुपए ही है, लेकिन अब वो थोड़ा बेच रहा है, जो उसकी जो बिक्री मूल्य है ना वो है उसने 54 रुपए में बेचा, इसे कितने रुपए में बेच दिया, 54 रुपए में बेच दिया, ठीक है। ये 54 रुपए में बेच दिया, मैं किसे बेच दिया, वरुण को बेच दिया, तो वरुण ने इसे क्या कर लिया, खरीद लिया। तो वरुण के लिए खरीदी मूल्य क्या हो गया, वरुण के लिए खरीदी मूल्य हो गया 54 रुपए। मतलब ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप कोई जब खरीदता है तो वस्तु को, तो उसके लिए वो क्रय मूल्य कहलाता है ना। जब उसी वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति बेचेगा तो वो उसके लिए विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो रोहित के लिए इस गेंद का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 54 रुपए, ठीक है। और रोहित के लिए इस गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपए। तो यहाँ पर तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, गेंद का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और यहाँ पर गेंद का एक बार और क्रय मूल्य। तो ये जो है वरुण के लिए है, ठीक है। यहाँ पे वरुण उस बच्चे का चित्र दिखाई दे रहा है और ये दोनों ही किसके लिए है, रोहित के लिए है ना। अब देख रहे हैं आप कि रोहित ने गेंद को 90 रुपए में खरीदा और 54 रुपए में बेच दिया, है ना। तो उसकी जो खरीदी मूल्य है वो अधिक है, अधिक है उसके बिक्री मूल्य से, मतलब विक्रय मूल्य से, ठीक है। तब इस कंडीशन में रोहित को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। रोहित को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसे हमें ये पता चला कि जब हमारा जो खरीदी मूल्य है, क्रय मूल्य है, जब अधिक होता है और विक्रय मूल्य जो हमारा बिक्री मूल्य है वो कम होता है ना,
तब उस कंडीशन में हमें हानि होता है। और लाभ के लिए आपको पता है कि विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखिए। अब हानि भी आपको क्रय मूल्य के आधार पर ही ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत का आपको सूत्र हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। हानि भी आप कैसे ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत भी आप कैसे ज्ञात करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब हानि कितना हुआ है तो हानि निकाल लीजिए, किसमें किसको घटाएंगे, क्रय मूल्य अधिक है तो हमेशा बड़े में छोटे को घटाते हैं, ये याद रखेंगे तो आपका सूत्र आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो इस प्रकार से आपका हानि निकल आया 90 ऋण 54 बराबर 26 रुपए, ठीक है। 90 ऋण 54 बराबर 26 रुपए, ये आपका निकल गया, आप आसानी से घटाने की क्रिया कर सकते हैं। अब हानि प्रतिशत में इन चीजों को आप रखिए, क्योंकि आपको प्रति 100 रुपए के क्रय मूल्य पर है ना हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये सूत्र है ना। तो कैसे निकालेंगे, हानि कितना है 26 और आपका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो ये हो गया 26 बटे 90 गुणा 100 प्रतिशत, ठीक। आया समझ में यहां तक, अब आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 26 बटे 9 गुणा 10, इस प्रकार से आप आसानी से जब हल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आपको दो सूत्र आपको पता चला, क्या क्या पता चला, एक तो लाभ प्रतिशत और एक तो हानि प्रतिशत। किसी भी खरीदी मूल्य के आधार पर आप हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों, है ना, एक सवाल की, कि आपको वो सवाल किस प्रकार से आपको हल करना है, तो आप जरा देख करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मीना ने 20 पेंसिल 5 रुपए की दर से और 40 पेंसिल 4 रुपए की दर से खरीदी। कुल पेंसिलों में से उसने 54 पेंसिलों को 4 रुपए की दर से और 6 पेंसिल को 3 रुपए की दर से बेच दिया, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो चलिए पहले मीना नाम की लड़की है, उसने 20 पेंसिल्स को 5 रुपए की दर से और 40 पेंसिल को 4 रुपए की दर से खरीदा, ठीक है। तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य निकाल लीजिए यहीं पे आप, है ना। 20 पेंसिल 5 रुपए की दर से, 20 पेंसिल ये हो गया 100 रुपए, ठीक है। और 40 गुणा 4 160 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको मिल गया 260 रुपए। तो इस प्रकार से मीना ने इस पेंसिल को कितने रुपए में खरीदा, 260 रुपए में खरीदा, ठीक है। ये हो गया। अब आप देख रहे हैं मीना ने उसे कितने रुपए में बेचा, जरा देखिए तो सही, 54 पेंसिल्स को उसने 4 रुपए की दर से बेचा और 6 पेंसिल्स को उसने क्या किया, 3 रुपए की दर से बेचा, ठीक है ना।
तो देखिए इसका विक्रय मूल्य आपको निकालना है, क्योंकि बेचा है ना इन चीजों को उसने, इसलिए विक्रय मूल्य निकालना है। तो 54 गुणा 4, ठीक है, 54 गुणा 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा जरा बताओ तो। ये हो गया 216 रुपये, और 6 गुणा 3 के हिसाब से 6 3 18 रुपये, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? कितना है? ठीक है, तो ये हो गया उसका कुल विक्रय मूल्य। तो अब उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो उसका आपको प्रतिशत निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्रय मूल्य है 260 रुपये और विक्रय मूल्य है 234 रुपये, तो कौन ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए उसको क्या होगा, जब भी क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हानि होता है। तो हमको हानि प्रतिशत का सूत्र लिख करके क्या करना है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हानि कितना हुआ, हानि निकाल लीजिए। तो हानि के लिए आपको, मैं इसे मिटा रही हूँ, हानि क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य 260 ऋण 234 रुपये, तो हानि कितना आया जल्दी से बताओ। 26 रुपये, ठीक है। ठीक है, अब इसी को आप इस सूत्र में रख दीजिए, 26/260×100, ठीक है। तो 26 एकम ये और ये 10, तो ये हो गया 10, तो उसे 10% की हानि हुई। तो इस प्रकार से मीना ने जब पेंसिल को इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेचा, जिस भी लागत से उन्होंने बेचा, तो उसे 10% की हानि हुई, ये हमने निकाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आप आपने सवाल को हल किया है ना। आप लोग ये सुधार लेना कि 90 ऋण 54 यहाँ पे 36, ठीक है, तो उतने रुपए का उसको हानि होगा पहले सवाल में, है ये आप सुधार लेना, उसी के आधार पे आपका थोड़ा सवाल भी फेल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग जानते हो क्या कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमें जैसे मुझे अगर खेती किसानी करनी है या मुझे कोई व्यापार डालना है, मेरे पास जो पैसा रखा हुआ है घर में, जो पैसा मेरे पास घर में रखा हुआ है वो शायद उतना काफी ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे उधार लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो उधार लेते हैं, तब हमारे पास कुछ शर्त रखा जाता है कि नहीं भाई आपको इतने समय के लिए उधार दिया जाएगा, इतने समय के लिए आपको बिल्कुल आपको अपना उधार जो है चुकाना ही पड़ेगा, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, है ना, ठीक है। इतने प्रतिशत आपको उसमें ब्याज उसमें आपको कुछ रकम देना पड़ेगा, तब फिर मैं आपको ये उधार दे पाऊंगा। तो इस प्रकार की बातें जो उधार देने वाला व्यक्ति वो हमसे करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक व्यापारी है ना, एक व्यापारी है, उसे कुछ सामान लेना है अपने किसानी के लिए, ठीक है, उसे कुछ सामान लेना है अपने, ठीक है, किसानी के लिए, जिसके लिए उसके पास सफिशियंट पैसा नहीं है, मतलब उसके उसे और पैसे की आवश्यकता है, तो वो उधार कहाँ से लेगा, क्या आप बता सकते हो? या तो वो उधार जो है बैंक से लेगा, ठीक है ना, या तो वो उधार कहाँ से लेगा, बैंक से लेगा, या तो वो उधार जो है किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति से लेगा, समझ लो, है ना, या तो वो किसी व्यक्ति से लेगा, ठीक है, आ रही बात समझ में।
या तो वो किसी व्यक्ति से लेगा, या तो वो डाकघर से लेगा, या जहां से भी लेगा, ठीक है। वो उसकी इच्छा है कि वो कहां कहां से उधार लेगा, है ना। अब वो उधार लेगा तब तो जितना रुपए वो उधार उसे मिलेगा, ठीक है, जितना रुपए उसे उधार मिलेगा या वो लेगा तो वो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, ठीक है। जो उसे उधार के रूप में मिलेगा वो पैसा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कुछ शर्त लगाते हैं कि आपको इतने रुपए के लागत में, है ना, आपको कुछ समय के लिए ये पैसा दिया जाएगा तो आपको कुछ अतिरिक्त धन भी देना पड़ेगा उसके साथ साथ, वापस करते तक आपको कुछ अतिरिक्त धन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अतिरिक्त धन राशि है यही क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है ना। तो ब्याज जो है हमें, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो ब्याज क्या होता है, हमारे पास जो पैसा बैंक में जमा है या हम किसी से उधार लेते हैं, तब उस राशि पर, है ना, जो अतिरिक्त धन राशि हमें देने की आवश्यकता पड़ती है तो वही क्या कहलाता है, ब्याज। अब इसकी गणना हम कैसे करते हैं तो आइए, ठीक है, ये हम सीखते हैं कि हम कैसे इसकी गणना करेंगे। जैसे कि अक्सर करके बोला जाता है कि अरे 10% ब्याज मिलेगा, 12% आपको ब्याज देना पड़ेगा, 9% आपको ब्याज देना पड़ेगा, आप अगर लोन वोन लेते हैं तो उसमें आपको 9% ऐसा, ये जो भी चीजें आपको बताई जाती है ना। तो ये ब्याज की गणना आखिर हम करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी प्रतिशत के रूप में ही आप देख पा रहे हैं, प्रतिशत के रूप में ही इसकी गणना की जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है गणना इसका, तो ब्याज अक्सर निश्चित समय के लिए, है ना, ये जो ब्याज होता है वो निश्चित समय के लिए है ना, मूलधन के प्रतिशत, ठीक है, मूलधन के प्रतिशत के रूप में क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक, आएगा समझ में। तो ये जो ब्याज है वो किस प्रकार से हम देते हैं, एक निश्चित समय के लिए मूलधन जो उधार ली गई राशि है उसके प्रतिशत के रूप में हमें दिया जाता है, ठीक है, हमें देना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सवाल, जैसे कि आपके पास एक सवाल है, मैं ये बताती हूँ ये सवाल क्या है, जैसे कि ये सवाल है, समझ लो उस व्यक्ति ने कितने रुपए का उधार लिया, 1000 रुपए का उधार लिया, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, उस व्यक्ति ने 1000 रुपए का क्या लिया है, उधार लिया, ठीक है। कितने समय के लिए उधार लिया, वो बोल रहा है कि मैं 2 वर्ष में चुका पाऊंगा, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में चुका पाऊंगा, तो ठीक है भैया तुमको 10% इसमें क्या देना पड़ेगा, सालाना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो व्यक्ति जो उधार दे रहा है, वो बोल रहा है कि ठीक है तुम 1000 रुपए रखो, 2 वर्ष के लिए तुमको रखना है बिल्कुल रखो, लेकिन तुमको 10% की दर से वार्षिक क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो ये ब्याज की दर आखिर हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, जैसे कि तो ये जो ब्याज है ये दो दो तरीके से होते हैं, दो प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज की गणना करते हैं। साधारण ब्याज आखिर क्या होता है, चलिए हम सवाल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो साधारण ब्याज है, जैसे कि रुपए क्या है, क्योंकि प्रतिशत का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो मैं उसी अनुप्रयोग को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ।
और ये साधारण ब्याज की गणना मैं पहले एक एक नियम की विधि से बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि रुपए सौ, सौ रुपए के हिसाब से एक वर्ष, सौ रुपए के हिसाब से आपको एक वर्ष में समझ लो कितना ब्याज देना होगा। यहाँ पे 10 रुपए, एक वर्ष में कितना ब्याज देना होगा आपको, 10 रुपए देना होगा। 10% बोल रहे हैं ना, तो 100 रुपए के हिसाब से 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए होगा, ठीक है। तो 1 रुपए के हिसाब से कितना होगा, जल्दी बताइए। एक वर्ष के लिए 10/100, तो 1000 रुपए के लिए आप निकाल के बताइए, तो एक वर्ष के लिए, ठीक है, एक वर्ष के लिए 10/100 × 1000, ठीक है। तो ये हुआ 100 रुपए। अब इसी 1000 रुपए के लिए 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना होगा, तो 2 × 100 = 200 रुपए, ठीक है। आ रही बात समझ में, 100 रुपए के हिसाब से एक वर्ष में 100 रुपए के लागत पर, है ना, उधार पर हमें 10 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, तो 1 रुपए में कितना देना पड़ेगा। एक एक विधि का नियम ऐसे ही तो कह रहा है ना, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। तो इस प्रकार से हम गुणा भाग दोनों ही विधियों का प्रयोग करके हम एक एक नियम का सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल है कि 1000 के ऊपर में कितना, तो 1000 रुपए मूलधन पर एक वर्ष में आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10/100 × 1000 = ये इसे पूरा हल करने पर ये 100 रुपए मिला। तो चूंकि हमारा सवाल 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो 1000 रुपए मूलधन के लिए, है ना, 2 वर्ष में आपको कितना ब्याज देना होगा, तो इसे जो 1 वर्ष के लिए आपने निकाला है उसे आपने 2 से गुणा कर दिया, तो ये मिल गया 200। अब इसी का एक सूत्र और है, वो सूत्र है PRT/100। यहाँ पे PRT क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, है ना। अब मूलधन कितना है, 1000 है, सीधा सीधा आप 1000 रुपए को रखिए। दर कितना है, 10%, तो वो 10 रखिए। और समय कितना है यहाँ पर, 2/100। अब आप इसे कट कीजिए, 10 × 100 × 2, तो ये 200 रुपए। तो आपके पास सूत्र भी है और आप एक एक नियम के हिसाब से सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये रही साधारण ब्याज की गणना, लेकिन बारी आती है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या भाई, आप लोगों ने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो समय समय पर, है ना, जो भी हमारे पास पैसा बचा हुआ होता है, समय समय पर उसमें जो ब्याज लगता है ना, तो उसे मूलधन में मिलाकर, है ना, हम मिला देते हैं। नहीं आया समझ में, देखिए फिर से मैं बता रही हूँ। हमारे पास जो भी पैसा बचा हुआ है, समय समय पर उस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ब्याज को हमारे मूलधन में आप मिला दो तो उससे हमें क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। इस मिश्र धन पर हम जो ब्याज की गणना करते हैं, ठीक है, इस मिश्र धन पर जो हम ब्याज की गणना करते हैं वही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मतलब ब्याज के ऊपर हम ब्याज की गणना करते हैं तब वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब इसे हम सवाल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे ही परिभाषित करने से तो समझ में नहीं आएगा, हम इसी उदाहरण को हम सवाल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है
मूलधन समय और ये ब्याज आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आप साधारण ब्याज आराम से निकालना जानते हो, आपके पास सूत्र था साधारण ब्याज के लिए, आपके पास सूत्र था। अब उसी सूत्र के माध्यम से आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस प्रकार से करनी है, मैं वो विधि यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास मूलधन दिया हुआ है और लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष बताया गया है, तो मैं पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष बताया गया है, तो मैं एक एक करके एक एक वर्ष का मैं क्या निकाल रही हूँ, साधारण ब्याज निकाल रही हूँ, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं, PERT आपका सूत्र है के हिसाब से, है ना। P क्या है आपका, मूलधन 1,000 रुपये, आर आपका दर है 10%, और समय, चूंकि यहाँ पर पहले वर्ष के लिए बोला जा रहा है ना, तो आपका जो इसे साधारण ब्याज एक नाम दे सकते हैं, इसी सिंपल इंटरेस्ट है ना, वन नाम दे देते हैं इसे, SI1, और पहले वर्ष के लिए आपका जो मूलधन है उसे भी मैं P1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। पहले वर्ष के लिए आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी कि पहले वर्ष के लिए क्या क्या दिया गया है, तो आपका P1 बराबर 1,000 रुपये, बाकी चीजें T 2 वर्ष वही रहेगी, है ना, और ब्याज भी आपका जो रेट है वो भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये आप जी, तो ये आपका आ गया 100 रुपये, तो पहले वर्ष का ब्याज आपका आ गया 100 रुपये, है ना। अब पहले वर्ष का ब्याज आपके पास जब 100 रुपये आया, तो पहले वर्ष का मिश्र धन आपको निकालना है, क्योंकि मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन की बात वहां पर कही थी, है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको पहले वर्ष का मिश्र धन निकालना है। ये आपने मिश्र धन निकाल लिया, तो उसे हमने A1 नाम दे दिया, ठीक है। अब मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं, ठीक है। मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, कितना मिला जल्दी बताइए, A1, तो आपका मूलधन है 1,000 रुपये और ब्याज आपने निकाला है 100, तो ये हो गया 1,100 रुपये, ठीक है। अब ये हो गया 1,100 रुपये आपको मिल गया, तो ये जो मिश्र धन, हम साधारण ब्याज जब गणना करते हैं तो हमारा मूलधन वही होता है, लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं तो पहले वर्ष में जो हमारा मूलधन था, अब दूसरे वर्ष में हमारा मूलधन वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे वर्ष के लिए जब आप साधारण ब्याज ज्ञात करोगे, तब उसके लिए हमारा जो मूलधन बन जाएगा, मूलधन P2, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। A1 का मतलब है मिश्र धन के बराबर हो जाएगा 1,100 रुपये, आपका टाइम वही रहेगा 2, और आपका रेट भी वही रहेगा 10%, लेकिन यहाँ पर आपका क्या चेंज हो रहा है, मूलधन चेंज हो रहा है, मूलधन बदल रहा है, ठीक है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में यही जानने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए SI2 नाम देंगे, है ना, फिर से आपको वही सूत्र लगाना है, बटे 100, लेकिन इस बार आपका सूत्र वही लगाएंगे, लेकिन हमारा जो ये मूलधन है वो चेंज हो रहा है P2, ठीक है। तो ये है 1,100 रुपये गुणा आर, कितना दिया हुआ है 10 गुणा 1/100, इस प्रकार से आपका जो ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज आपको जो प्राप्त हुआ वो कितने के बराबर है, कितने के बराबर है जल्दी बताइए, 110 रुपये, है ना। तो हमें पहले वर्ष का साधारण ब्याज मिला, इसे ध्यान में रखना है, और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज मिला उसे ध्यान में रखना है 110 रुपये। ये दोनों साधारण, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना था इसलिए हम यहीं तक अपनी क्रियाकलाप को करेंगे, और 2 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए हम दोनों ही पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे। पहले वर्ष का ब्याज था 100 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज था 110 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गए ये 220 रुपये। तो ये पहली विधि थी। इसी प्रकार से एक विधि और है ना, सूत्र विधि। सूत्र विधि ये है, सूत्र विधि के लिए a बराबर पी 1 प्लस, ठीक है, ये किसका सूत्र है, मिश्र धन, ये मिश्र धन का सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप डायरेक्ट इसके हिसाब से आप मिश्र धन निकालिए। और कितना दिया हूँ मैंने, 10/100 और ये 2, ठीक है, ये आप इसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11/100। ये आप सुनिए कितना, ठीक, 10/100। तो आपका ये मिश्र धन मिला, ये है ना, आपका मिश्र धन आपको प्राप्त हो गया इस सूत्र की मदद से। अब आपको डायरेक्ट मिश्र धन की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, जब आपको मिश्र धन पता हो तो मिश्र धन में मूलधन को घटा दिया जाए, है ना, उसके हिसाब से आपने मिश्र धन निकाला है 1210 रुपये और आपका मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये। ठीक है बेटा, तो इसके हिसाब से आप निकाल किए आपका 210 रुपये आपको आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ, जैसा कि हमने पहले है ना, तो ये प्राप्त हुआ था। तो बच्चों आप इसी प्रकार से लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने का अभ्यास कीजिए। आपकी अभ्यास पुस्तिका आपकी किताब में 13.1 और 13.2 के हिसाब से आप प्रश्नों को हल कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में इस प्रकार के कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।